जंगल में सूखी बेकार मानी जाने वाली चीड़ की पत्तियां अब महिलाओं की आय का साधन बन गई है। महिलाएं इनसे विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद तैयार कर रही हैं। शिमला के रिज मैदान पर शिमला समृद्धि उत्सव में चीड़ की पत्तियों से तैयार किए विभिन्न उत्पाद सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उत्सव में शिमला कोट पंचायत की महिलाओं के समूह की ओर से बनाए गए चीड़ की पत्तियों के उत्पाद सबको भा रही हैं। चीड़ की पत्तियों से टोकरी, चपाती बॉक्स, फूलदान, पेंसिल बॉक्स, पेन स्टैंड, टेबल मैट, ट्रे सहित अन्य उत्पाद स्टॉल में बिक्री के लिए लगाए गए हैं। चीड़ से बने उत्पाद बेचकर महिला अपनी आजीविका चला सके HIPA संस्था ने कोट पंचायत को अडॉप्ट किया है और एक हफ्ते का पंचायत में शिविर भी लगाया गया था जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा लगभग 3 महीने का एक कैंप लगाया गया था जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था कि किस तरह से ये चीड़ की पत्तियों के उत्पाद तैयार किए जाए। पंचायत के लगभग 100 महिलाएं ये काम कर रही है। चीड़ की पत्तियां जंगलों से उठाई जाती है, इससे जंगलों में आग का खतरा भी कम हो जाता है। इन पत्तियों को इकट्ठा करने में ना तो कोई खर्चा होता है। ट्रेनिंग में जिस तरीके से सिखाया गया है कि पहले पत्ते को उबालकर और फिर सुखाकर उत्पाद तैयार करते हैं। गांव की महिलाएं जहां भी प्रदर्शनी अपने स्टॉल लगाती हैं, वहां इन उत्पादों को बेचती है जिससे महिलाओं की आय बढ़ रही है। वहीं गांव की महिलाओं का कहना है कि इन उत्पाद को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। पहले घर का काम देखना पड़ता है, उसमें से समय निकालकर फ्री टाइम में ये काम करना पड़ता है। इस उत्पादों की 250 से 1200 तक कीमत है। 250 रुपए के प्रोडक्ट को तैयार करने में कम से कम 2 दिन लगते हैं। ये काम गांव की महिला और वृद्ध भी करते हैं। इससे महिलाओं को बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलता है और घर बैठे ही वो पैसे भी कमा रही है। ग्राम पंचायत कोट प्रधान, हम यहाँ पे आज पाइन मिशन से बने हुए प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। हम अपनी महिलाओं को यहाँ पे लेके आए हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आए हैं ताकि वो उनको बेचकर इनकम मतलब आजीविका अपनी कमा सके। ये हमारी पंचायत में लगभग आज से 5 वर्ष पूर्व जो हिप्पा संस्थान है उसने हमारी पंचायत को अडॉप्ट कर रखा है। तो उन्होंने सबसे पहला हमारे वहाँ पर प्रशिक्षण एक शिविर लगाया था हफ्ते भर का, जिसमें उन्होंने 20 महिलाओं को वहाँ पर प्रशिक्षित किया था। उसके बाद एक और एडवांस ट्रेनिंग वहाँ करवाई गई हिप्पा द्वारा ही, जिससे उन्हीं में 20 महिलाओं को आगे एडवांस ट्रेनिंग दी गई। फिर उसके बाद अभी हमारे रिसेंटली पीछे 3 महीने पहले भारत सरकार द्वारा एक 3 महीने का यही पाइनीडल का कैंप लगाया गया जिसमें 25 महिलाओं से आगे 40 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। और ये 40 महिलाएं ही नहीं, हमारी जो पंचायत की 100 महिलाएं कम से कम जो ये काम कर रही हैं। अभी ये जैसे चीड़ प्रोडक्ट, ये जंगलों को वैसे भी आग से, इनसे जंगलों में आग लगती है। ये अगर हम इनको, ये एक फ्री की चीज है जो महिलाएं इनको लेकर इनका उपयोग कर सकती है। और अच्छे से प्रोडक्ट जैसे आप देख रहे हो, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यहाँ हमें बनाए हैं। और वैसे भी ये अगर इनको यूज करेंगी तो इनमें ना इनका कोई खर्चा है, सिर्फ इनकी मेहनत है, जो उसमें इनकी मेहनत लगती है, धागों का खर्चा होता है। बाकी ये जंगल से इनको इकट्ठे करके लाते हैं, इसकी प्रोसेसिंग होती है, जैसे इनको उबाला जाता है, फिर उसमें ये ट्रेनिंग में इनको जैसे सिखाया कि किस तरह से ये चीज बनाई जाएगी, तो ये बनाकर ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब हमारी पंचायत में जैसे ग्रामीण लोग होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में पशुओं का, घर का घास पशु और ये खेतों का काम बहुत रहता है, तो जो इनके पास फ्री टाइम होता है उसमें ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं ताकि इनको कुछ आजीविका, ये अपनी आमदनी कुछ कमा पाए। तो ये प्रोडक्ट तैयार करके जैसे कहीं भी कोई एग्जीबिशन होती है, कहीं स्टॉल लगते हैं, तो हम इनको आगे ले जाते हैं ताकि वहां पे ये इन प्रोडक्ट को बेच सके। इन प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। वैसे बाहर यहाँ के लोग जो टूरिस्ट हैं उनकी उनके पास बहुत डिमांड आती है। कहीं जो हमारी महिलाएं हैं वो घर पे उनको ऑर्डर आते हैं कि आप ये चीज बना के दो। फिर जो हमारे संस्थान है, बाकी जो एनजीओ जो है वो उनको ऑर्डर देते हैं वो कि इतने प्रोडक्ट हमें चाहिए, वो इनसे घर से भी लेके जाते हैं। तो जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं ऐसे अभी नई है जिनको पता नहीं है इन चीजों का, तो उनको हमारा लक्ष्य यही है कि उनको हम आगे लाए और आगे ऐसे जैसे एग्जीबिशन से हम उनको लेके आए तो उनको भी बाहर की दुनिया का पता लगे कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे इन प्रोडक्ट को बेचना है। इस तरह से हमारा प्रयास यही है कि हमारी जो पंचायत की सारी महिलाएं। मैम, जिस तरह से ये जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पर लाए हैं इनकी अगर बात करें तो सर उसमें बहुत टाइम लगता है हमारे, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा है। और जैसे कि हम लेडीज घर पे कई बार बेली बैठी रहती है, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, सभी लेडीज मतलब इन प्रोडक्ट को बना के हम बेच सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी कमाई कर सकती है सभी महिलाएं। कितना टाइम लगता है? कॉस्ट
250-300 के करीब 400 में प्रोडक्ट के हिसाब से तो मेहनत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपने जो ये सर, इससे हमारे को बहुत फायदा हुआ है। इससे मैं घर में ऐसे बैठी रहती थी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसको देख सकते हैं, तो इसको ये पेन स्टैंड है, इसके लिए हमारे को 2 दिन लगते हैं बनाने के लिए, कि जिसको जिसके तो हाथ ठीक है सर, 1 दिन में बन जाता है सर। हाँ जी, हम इस हम चील की जंगलों में जाते हैं सर, चील की पत्तियां लाते हैं और उसके साथ इस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। हाँ जी, इससे बहुत फायदा हुआ है जंगलों, जब हम इसको जंगलों से इकट्ठा करते हैं तो आग लगने से थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ ही है सर। तो सर इसके साथ हम 40 महिलाएं, 40 से भी ज्यादा हो गए अब तो, 100 के करीब है, मतलब जिसमें हम महिलाएं जुड़ी हुई है और हम महिलाओं को इसमें बहुत फायदा हुआ है। सर हम इसमें फोन के जरिए भी आके बेच सकते हैं, बाहर स्टॉल वगैरह भी लगते हैं तो उसमें भी, और हमारे को इसमें घर में ऑर्डर भी आते हैं सर बेचने के लिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट।